हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं एंड द क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक टेबल जिसके दो पार्ट मैंने बना लिए हैं, एक तरफ लिख दिया है मैंने जीनोटाइप और दूसरी तरफ लिख दिया है मैंने फिनोटाइप। तो एक एक करके हम इसके डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोटाइप का कि आखिरकार ये जीनोटाइप क्या होता है। तो बेसिकली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को ही हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, जो हमको जेनेटिक या फिर जीन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द जेनेटिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग इंडिविजुअल लिविंग इंडिविजुअल। तो यहां पे हमको समझ में आ गया कि जीनोटाइप आखिरकार क्या होता है। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप का। फिनोटाइप क्या होगा, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस जो बाहर या ऑर्गेनिज्म में हमको दिखाई देता है, जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक साइज एंड कलर, ये क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप के सेकंड पॉइंट की। तो ये जो जीनोटाइप रहता है ये पूरी लाइफ एक जैसा रहता है, मतलब इसका जीनोटाइप अगर किसी इंडिविजुअल का है तो वो चेंज नहीं होगा पूरी लाइफ भर। तो इसको हम बोल सकते हैं सेम थ्रू आउट द लाइफ। तो पूरी लाइफ एक जैसा रहेगा। और यही अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो टाइम के साथ एनवायरनमेंट के साथ ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको चेंज विथ टाइम एंड एनवायरनमेंट। तो टाइम और एनवायरनमेंट के साथ फिनोटाइप कैरेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। तो जो जीनोटाइप रहता है वो फिनोटाइप से किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होता। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट अफेक्टेड बाय फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप से किसी भी तरीके से ये क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं होता। वही अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप का, तो फिनोटाइप जो होता है वो जीनोटाइप से ही क्या होता है, गवर्न होता है, कंट्रोल होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमको फिनोटाइप दिखाई देता है, दैट मीन्स कंट्रोल होता है। जिस तरीके के जीन होंगे उसी तरीके का फिनोटाइप कैरेक्टर भी हमको यहाँ पे शो होगा। ओके सो एक और कैरेक्टर्स हम देखते हैं, एक और डिफरेंस। जीनोटाइप में क्या होता है कि डिफरेंट जीनोटाइप सिमिलर फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके मतलब
जीन डिफरेंट होंगे उसके, जीनोटाइप, जीनोटाइप उसका डिफरेंट होगा, बट फीनोटाइप जो रहेगा वो सेम हो सकता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप मे हैव सिमिलर फिनोटाइप, सिमिलर फिनोटाइप। अब ये कैसी बात हुई, क्या कोई एग्जाम्पल है? तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, कैपिटल टी, कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है, और एक और जीनोटाइप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर दोनों ही की बात करें तो दोनों का ही जो फीनोटाइप कैरेक्टर होता है, जो प्लांट प्लांट होता है वो कैसा होता है? टॉल। अब देखिए दोनों के जीनोटाइप कैसे थे? अलग थे, बट फीनोटाइप कैरेक्टर क्या है? सिमिलर। उसी तरीके से अगर हम फीनोटाइप की बात करें तो इसमें क्या होगा, फीनोटाइप जो होगा कि डिफरेंट फीनोटाइप में डिफरेंट जीनोटाइप होगा। दैट मीन्स डिफरेंट फीनोटाइप हैव डिफरेंट फीनोटाइप हैव डिफरेंट जीनोटाइप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी ये क्या होगा? टॉल। वही स्मॉल टी ये होगा डॉर्फ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको सारे डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thanks for watching.